प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर मोहता हूँ। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हमारा है कंट के नहीं मकंट कम पंचमह पाठ। पाठ का नाम क्या है? कंट के न एव कंट कम। कंट के का मतलब कांटे से, एव का मतलब ही, कंट कम माने कांटा निकलता है। कांटा कैसे निकलता है? कांटे से ही निकलता है, ठीक है। यानी जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये जो आज का हमारा पाठ है ये क्या है? मध्य प्रदेश का कोई डिंडोरी जिला है, उस जिले के प्रधान की जो प्रधान आदमी होते हैं, गाँव वाले होते हैं, उनके बीच में एक प्रचलित लोक कथा है। आज का जो पाठ है वो क्या है? एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। यह पंचतंत्र की शैली में, कि पंचतंत्र के तरीके से रचित होने बनाई गई है। पंचतंत्र में क्या है, जैसे जानवरों की कथा के माध्यम से कोई ना कोई ज्ञान की बात बताई जाती है, तो इसमें भी जानवरों के माध्यम से एक कहानी है और उसके माध्यम से कोई ज्ञान की बात बताई जाएगी। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है, कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो इस कहानी में स्पष्ट किया गया है कि चाहे कितना ही बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, यदि हम चतुराई से काम लेते हैं और प्रत्युत्पन्न मति, ये प्रत्युत्पन्न मति क्या होता है, जो समय आने पर बिना सोचे, मतलब अच्छी तरह से सोच विचार करके शीघ्र ही अपनी बुद्धि के प्रयोग से सवाल का जवाब दे दे या फिर किसी भी समस्या का हल कर दे, तो उस प्रकार से बाहर निकला जा सकता है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हम चतुराई से काम लेंगे तो प्रत्युत्पन्न, प्रति उत्पन्न यानी कि शीघ्र ही उत्पन्न हो जाए जिसका समाधान, ऐसी मति से बाहर निकला जा सकता है, ऐसी बुद्धि से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस कहानी में क्या हुआ है? सबसे पहले आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत मने था, कश्चित मने किसी, चंचल मने कोई, चंचल नाम का, व्याध मने शिकारी, चंचल नाम का कोई एक शिकारी था। यानी कि पुराने समय की बात है, किसी जंगल में चंचल नाम का कोई शिकारी था, व्याध मने शिकारी। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। तो वो क्या करता था, पक्षी, पक्षी का मतलब पक्षी, मृगादि नाम, मृगादि नाम का मतलब जो हिरण वगैरह होते हैं, जो खेत में जंगलों में घूमने वाले जानवर होते हैं, उन जानवरों को ग्रहणेन का मतलब पकड़ने से स स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। वो अपनी जीविका चलाता था, वो अपनी रोजी रोटी चलाता था। कैसे चलाता था? हिरणों को पकड़ लेता था या कोई और जानवर मिल गया उसको पकड़ लेता था, यानी पक्षियों को पकड़ लेता था। इस प्रकार से वो अपनी जीविका चलाता था। एक दा सह जालम विस्तीर्य, एक बार उसने क्या किया, जालम विस्तीर्य, अपना जाल बिछा दिया, जाल बिछा दिया और गृह आगमन वापिस घर आ गया, शेर, और ये ऊपर है
रात को तुझे उदय शिकारी इस चीज का ध्यान रखना, तो उसने देखा कि दुर्भाग्य से जाल के अंदर जाले का मतलब जाल में एक व्याघ्र बंधा आसीत, एक व्याघ्र नाम के शेर बंधा आसीत बंधा हुआ था। कहां पे बंधा हुआ था? जो उसने जाल बिछाया था उस जाल के अंदर एक शेर दुर्भाग्य से फंस गया था। सो एज इन देयर उसने सोचा, क्या सोचा? व्याघ्र नाम का भी शेर अगर इस शेर बाहर निकल गया ना जाल से तो ये मेरे को खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, अतएव माने इसलिए पलायनम करणीयम, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर ने क्या सोचा? शेर ने नहीं, चंचल ने सोचा, शिकारी ने सोचा कि अगर शेर बाहर आ गया ना तो वो मेरा भोजन कर लेगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, बोध वगैरह हो जाना चाहिए। तो जब वो भागने लगा ना तो व्याघ्र है नैवेद्य शेर ने निवेदन किया, व्याघ्र माने शेर ने नैवेद्य का मतलब निवेदन किया, प्रार्थना की, वो मानो हे मनुष्य कल्याण भवतु ते, आपका कल्याण हो, भगवान आपका भला करे। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मेरे को मोचयिष्यसि का मतलब छोड़ दोगे, खोल दोगे इस जाल से, तरही अहम त्वाम न हरिष्यामि, तरही का मतलब तब अहम त्वाम न हरिष्यामि, मैं तुम्हें न हरिष्यामि, हरिष्यामि का मतलब होता है मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शेर ने क्या बोला? हे मनुष्य तू भगवान तुम्हारा भला करे, यदि तुम मेरे को निकाल देगा ना इस जाल से तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तदा सह क्या भवत व्याघ्र जालात बहिः निरसारयत, तब सह उस शिकारी ने व्याघ्र जालात बहिः निरसारयत, तो उस शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। जब शेर ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा ना, तो शिकारी ने उसको बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र क्या था? थका हुआ था, बिल्कुल थक चुका था। तो आज हम यहीं तक करेंगे और बाकी का जो काम है वो हम अगली वीडियो में देंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।